बेटी बोला दुर्गति देख लीजिए, जिसको माँ बोल देते हैं उसकी दुर्गति देख लीजिए, ये सबकी दुर्गति कर देते हैं, जिसको बहन बेटी बोल देते हैं उसकी दुर्गति हो जाती है। हम संविधान का संविधान में भरोसा करते हैं, ठीक, इन जो ये चला रहे हैं ना, इन लोगों पे हमें भरोसा नहीं है। कैसे जीत रहे हैं लगातार? अगर धांधलेगर्दी से, गुंडागर्दी से। पहली चीज राम राज इनका अपने पास रखें, जो संविधान लागू है, बाबा साहब ने संविधान लागू किया है तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का राज होना चाहिए और संविधान का राज होना चाहिए। और राम राज की बात करेंगे तो ये संवैधानिक दायरे से बाहर है। 40-40 मुकदमे हैं, बताइए कितने लोग इनके जात बिरादरी के योगी जी के हैं, तो क्यों नहीं हो रहा भाई? सारी व्यवस्था पहले बताओ, एक गाँव बन नहीं पा रहा हिंदू राज, एक हिंदू गाँव बनाइए, दिखाइए हमको कि हाँ कैसी व्यवस्था दे हुए। राजनीति समझ चुके हैं, अब इनको झोला उठा के जाना है, ये तय है। और 24 में आइए, हम आपको बताएंगे, स्मृति ईरानी जी चुनाव लड़िए, आकर आइए अमेठी में, आपके विरोध हम लोग करेंगे, खुले तौर पे कह रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। वहाँ शंभुक ऋषि जैसे लोगों को मार दिया गया, ज्ञान वो शूद्रता है, ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसी व्यवस्था है तो राम राज मुझे नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं अभी जनता बात। मेरे साथ में है भीम आर्मी के लोग, ये लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं, राम राज से आए हैं और पूरे देश में राम राज चल रहा है, क्या कहेंगे? आज यहाँ बेटियों को न्याय दिलाना पड़ रहा है आपको। राम राज में इसी तरह होगा, पहले भी इसी तरह की चीजें हुई है, जात के आधार पर वहाँ भी कार्य चल रहा था। हम लोगों को पहली चीज राम राज चाहिए नहीं, क्योंकि राम राज में सब जात के आधार पे काम होता था, गुड़ ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। वहाँ शंभुक ऋषि जैसे लोगों को मार दिया गया, ज्ञान वो शूद्रता है, ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसी व्यवस्था है तो राम राज मुझे नहीं चाहिए। पहली चीज राम राज इनका अपने पास रखें, जो संविधान लागू है, बाबा साहब ने संविधान लागू किया है तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का राज होना चाहिए और संविधान का राज होना चाहिए। और राम राज की बात करेंगे तो ये संवैधानिक दायरे से बाहर है, ऐसी चीजों के लिए हम लोग जो है विरोध करेंगे। हिंदू राष्ट्र वाले तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र होता तो बेटियों के साथ ऐसा नहीं होता। हिंदू राष्ट्र सारी व्यवस्था इनके हाथ में है, जो हिंदू का जो है पक्षधर है वो असत्ता में है, तो क्यों ऐसी ऐसी चीजें हो रही? हजारों इनके सांसद विधायक जो है, जो ब्रजभूषण इनके सांसद है, आज बताइए हजारों जो है महिलाओं के साथ जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट किया और ये अब इनके ऊपर लगा है। अब बताइए किसको जो है कौन बिल्डर? आप भी बोल रहे हैं हजारों महिलाओं के साथ, उन्होंने बोला है कि मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूँ जो हजारों लड़कियों के साथ शोषण करूंगा, तो एक दिन का मामला है क्या? फिर वो तो मैं व्यक्तिगत फिर बोलने लगूंगा, एक दिन में कोई हजारों कह रहा क्या? ये 12 साल की बात हो रही है, जब से कार्यकाल पे है तब से बात हो रही है, एक दिन की बात नहीं कर रहा। दिनों से लड़कियां कहां थी ये भी तो वो बोल रहे हैं। समय समय पर 2-3 बार जो है बताए, तो 14 में 11 में कई बार जो है आवाज उठी है, लेकिन इन्होंने अपने ताकत और रुतबे की वजह से आज इतनी बड़ी जो गोल्ड मेडल लेकर आई हैं, उन महिलाओं को दबाने का काम कर रही हैं, कर रहे हैं सरकार ये ब्रजभूषण। तो आप बताइए जो छोटे छोटे लोग तो परिवारवाद कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं लोग। कौन कर रहा जातिवाद? लड़कियां जो यहाँ लड़कियां जातिवाद कर रही हैं, आप बताइए यहाँ हमारा जात कोई को पता है? उनके जात कोई पता? मैं जात नहीं जानता हूँ, मैं किसी प्रकार से नहीं जानता हूँ। जब देश की बेटियाँ हैं, देश के लिए मेडल लेकर आई हैं, तब देश की बेटियाँ थी, और कैसे तुरंत जो है इनके ऊपर आरोप आया, तुरंत ये जाट की बेटी हो गई, ये हरियाणा की बेटी हो गई, पूरे देश की बेटी है ना, गोल्ड मेडल अपने देश के लिए, अपने जात के लिए, अपने राज्य के लिए तो लाई नहीं, पूरे देश के लिए लाई है। देश की बेटी को देश की बेटी रहने दो, और जातियों में बांटा और किसी राज्य में बांटा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम पूरा जो है जनमानस, मोदी जी भी तो इनको अपनी बेटी बोला है। बेटी बोला दुर्गति देख लीजिए, जिसको माँ बोल देते उसकी दुर्गति देख लीजिए, ये सबकी दुर्गति कर देते हैं, जिसको बहन बेटी बोल देते हैं उसकी दुर्गति हो जाती है। आज परिवार को त्याग दिया मोदी जी ने, परिवार को त्याग दिया कि परिवार को जिस महिला ने इनके साथ जो है जीवन संगनी है उसको छोड़ दिया, उसको आधे उम्र में छोड़ दिया, ये लोग बेटी बना के आज बताइए 2 दिन नहीं हुआ बेटी बनाए, 1-2 महीने बाद छोड़ दिया, आज ऐसे रो रही है सड़कों पर, क्या हो रहा है? सड़कों पे रो रही हैं, और इनके साथ अभी 3 तारीख को 4 तारीख में जो है रात में इनको साथ जो है जो बदतमीजी करी गई वो हम लोगों ने वीडियो देखा, तब आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। उत्तर प्रदेश के हर जिले से लोग आएंगे, और ये ना सोचे कि ये हरियाणा का मामला है, हरियाणा का नहीं, पूरे देश का मामला है। ये गोल्ड मेडल आया तो पूरा देश जो है गौरवान्वित हुआ है, और पूरे देश के लिए उन्होंने गौरव का काम किया। सारी पार्टियाँ जो है यहाँ पे राजनीति चमकाने के लिए आ रही है, तो भाई तुरंत जो है उसको जेल भेजिए, उसके घर में बुलडोजर चलवाइए, बहुत बुलडोजर वाली सरकार है ना ये। बुलडोजर का समर्थन करते हैं आप? नहीं, तो ये सबके जो है जो भी यहाँ माफिया है उनके जो है मिट्टी मिलाने काम कर रहे हैं योगी जी,
तो ये माफिया कहाँ से आ गए? 28, 30, 34 मुकदमे हैं, 38 मुकदमे हैं, 40 मुकदमे हैं, बताइए कितने लोग इनके जात बिरादरी के योगी जी के हैं, तो क्यों नहीं हो रहा भाई? करें, आओ मिट्टी मिलाओ, मिट्टी में क्यों नहीं मिला रहे? ये मिट्टी में नहीं मिलाएंगे, ये जात देखकर माफिया वो होता है इनकी नज़र में जो मुसलमान है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, ये माफिया है, बाकी इनके बिरादरी को होगा तो वो साफ सुथरा। आप इल्जाम लगा रहे हैं अतीक अहमद को जो गोली मारा था उसको भी तो कार्रवाई हो रही है, वो लोग तो एक तो ब्राह्मण एक मौर्य और एक चीज बताइए, इनकी पुलिस जो है पूरी जो है चाकों पूरी तरह से जो है प्रशासन के देख रेख में हुआ, और उसके बाद ये क्या हुआ कि मीडिया के सामने मरवा दिए इनके जो है प्रशासन कहाँ गई, क्यों इस हिसाब से सिक्योरिटी कम कर दिया गया, हम लोग भी जानते हैं किस व्यवस्था से किस हिसाब से मरवाया गया, ये राजनीतिकरण हिंदू मुस्लिम करने का इनका 24 का चुनाव का मामला है, ये चुनाव में हर दम हिंदू मुस्लिम ना करें तो बेचारे ये सदस्य नहीं जी सकते। कानून पे भरोसा नहीं है आपको? कानून पे भरोसा है तभी तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, संविधान का भरोसा नहीं होता तो हम यहाँ प्रोटेस्ट ना करते, गोंडा में उनके घर पे चढ़ जाते, जिस हिसाब से बहन बेटियों के साथ इस तरह किया गया, कानून व्यवस्था है संविधान को मानते हैं तब हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, वरना धरना नहीं देते, इतनी संख्या में लोग यहाँ आ सकते तो वहाँ भी जा सकते थे, और ये समझे ना कि संविधान है तो हम लोग विश्वास करते हैं संविधानिक दायरे में काम कर रहे हैं, और जिस दिन इस व्यवस्था को तो हम लोग तोड़ गए, और जिस संविधान को बाबा साहब ने हम लोग अपने पुरखों ने दिया है इस वजह से हम लोग मान रहे हैं, और सबसे ज़्यादा हम लोग संविधान को पालन करते हैं, और ये पालन करते होते तो आज बताइए कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं किया? संविधान में आज मैं या कोई सामान्य सा आदमी कोई भी यदि इस तरह की कोई घटना उसके ऊपर मुकदमा लिख जाता है 24 घंटे के अंदर नहीं उसको और पहले पकड़ कर उसको जेल भेज दिया गया होता, आज क्यों नहीं भेजा जा रहा? क्योंकि इनके पार्टी का एक सांसद है और प्रभावशाली वो माफिया वहाँ का, और वोट की राजनीति के चक्कर में मोदी नहीं बोल रहे हैं ना योगी बोल रहे हैं, और कोई और अन्य पार्टियां बोलने से डर रही हैं। अरे उत्तर प्रदेश में तो राम राज है, वहाँ पे देख रहे सारे आतंकवादियों को अपराधियों को जड़ से खत्म किया जा रहा है, जड़ से अपराधी हम तो बार बार कह रहे हैं 38 मुकदमे किसके ऊपर होते हैं, अपराधी होता तब, और ये अपराधी नहीं है, इनको क्यों नहीं मिट्टी मिला रहे हैं? धनंजय सिंह है उनको क्यों मिट्टी नहीं मिला रहे हैं? मोनू सिंह सोनू सिंह क्यों नहीं मिट्टी मिला रहे हैं? कितने बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं, आज लिस्ट निकलवाइए देखिए कितने मुकदमे हैं, किसी के 20 से नीचे मुकदमे नहीं है, और वो आज बढ़िया सरकार में बैठे हुए मंत्री विधायक बने हुए हैं, उनका कोई कार्रवाई नहीं, उनको मिट्टी कोई नहीं मिला रहा, क्यों नहीं मिट्टी मिला रहा भाई? मिट्टी मिलाओ, विधानसभा में चिल्ला के योगी जी बोले हैं कि मैं टीम मिला दूंगा, हिंदू राष्ट्र बनने दीजिए फिर किसी के साथ कुछ नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब यही है, सारी व्यवस्था पहले बताओ, एक गांव बन नहीं पा रहा हिंदू राष्ट्र, एक हिंदू गांव बनाइए दिखाइए हमको कि हाँ कैसी व्यवस्था दे हुए, हम देखें भैया एक गाँव नहीं बन पा रहा आपसे हिंदू वाला, और पूरा देश बनाने की बात करते हो, संविधानिक दायरे में रहिए वरना जो है तबीयत खुश कर देंगे हम लोग, ऐसे मूर्ख नहीं बैठे, हर हर मोदी हर घर मोदी, मोदी जी जो है विश्व पटल पे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, विश्व पटल में इसी तरह नाम रोशन होगा, विश्व के लोग देखते होंगे कि गोल्ड मेडल जिन्होंने लाया, जिन्होंने विश्व में हमारे देश का जो तिरंगा फहराया सबसे ऊंचे हमारा तिरंगा फहराया, सही है ना, आज विश्व के लोग जानते होंगे उन्हीं गोल्ड मेडल जो महिलाएं हैं उनके साथ क्या हुआ, इसी तरह नाम करवा रहे हैं ये, विश्व में इसी तरह का नाम हो रहा है, भुखमरी में सबसे नीचे आ गए, पाकिस्तान की बात करते हैं पाकिस्तान से भी नीचे, पाकिस्तान कांप रहा है, चीन थर थर कांप रहा है, पाकिस्तान चीन गुस्सा चला आ रहा है, पूरी बस्तियां बना दे रहा है, मैं नहीं जान रहा हूँ क्या मूर्ख नहीं हूँ, और पूरा बहुजन समाज पूरा देश के एक एक नागरिक को समझ में आ गया है कि ये लोग जुमलेबाज हैं और किसी को कोई मतलब नहीं है, मैं जहाँ से आता हूँ अमेठी से संसदीय क्षेत्र जो स्मृति ईरानी जी का है, आज बताइए महिला बाल विकास मंत्री हैं, किन महिलाओं के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं, काहे कि भैया मंत्री हो तुम, आप सोचो कि जिन महिलाओं की जिम्मेदारी आपको दिया गया देश की आप बोल क्यों नहीं रहे हो, कि इन लोगों पे जब FIR दर्ज हो गया तो इन लोगों को थोड़ा सा भी यहाँ से धरना खत्म कर दे, कानून अपना काम करेगा, तो सरकार बताइए सरकार और या पुलिस प्रशासन ने किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने दबाव दिया फटकार लगाई तो FIR किए हैं, अब बताइए FIR हो गई, अब FIR होने के बाद हमको पता है कि कानून में जब मुकदमा लिखा गया तो उसके ऊपर मुकदमा है तो जो भी प्रावधान है आप काम करिए, क्यों नहीं किया गया? 24 घंटे में गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, बताओ नाबालिग किसान उग्र हो रहे हैं, किसान उग्र नहीं हुए होते तो आज यहाँ ये हम लोग जो शांति व्यवस्था से बैरिकेड तोड़ दिया, बैरिकेड कहाँ तोड़ा, कौन तोड़ा, जब आपकी व्यवस्था गड़बड़ है सारी व्यवस्था गड़बड़ तो हम देखो तोड़ने वाली बात नहीं है, हम लोग 13 महीने
बताइए, साल साल हम लोग इसी दिल्ली में बैठे थे शांति व्यवस्था बना के, कौन उग्र हो गया? कितने मीडिया के लोग बताए कि एसी में रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, क्या किसान का मतलब है तो फटीचर होना चाहिए किसान का, इनके क्या मतलब है कि देश का किसान कपड़ा फटा होना चाहिए, वो साइकिल से चले पैदल चले तभी किसान माना जाएगा, किसान फॉर्चुनर से भी चलेगा, किसान का लड़का आईएसपीसी की तैयारी भी करेगा, भूखमरा नहीं है, किसान पूरे देश को खिला सकता है तो खुद नहीं खा सकता? मोदी जी पे भरोसा नहीं है, न्याय नहीं मिलेगा? मोदी जी के ऊपर भरोसा होता तो 13, 14, 15, 16 दिन हो गया आज, और लगातार इसी तरह चुनाव प्रचार प्रसार में व्यस्त है वो बेचारे, चुनाव में व्यस्त रहेंगे, आरएसएस भाजपा के लोग इनको आगे करके सिर्फ चुनाव जीत रहे हैं, और पूरे देश में इसी तरह करा जा रहा है, और इनको वास्तव में लास्ट में झोला उठा के वास्तव में जाना पड़ेगा, इनको कुछ किनको, नहीं किनको? मोदी जी को, और किसको कहेंगे? उन्होंने कहा कि हम फकीर आदमी है, झोला उठा के चले जाएंगे, अरे जाइए आप, आपका क्या मामला है जब अपनी बेटी को नहीं बचा पा रहे हो, आपकी बेटी का मामला है उसमें नहीं बोल पा रहे हो तो क्या करोगे? आप कह रहे हैं जाइए, अमित शाह कह रहे हैं आएंगे, जब आएंगे मोदी जी आएंगे। अमित शाह की बात ही ना करो, अमित शाह ये गुंडे माफिया सब सारे इनकी तड़ी पार ऐसे नहीं होगी, ये सब लोग माफिया गुंडे हैं, और ये सारी ये हमारे रायबरेली में, हम लोग रायबली के हैं ना, अमेठी रायबली के, आप हमारे यहाँ भाषण देकर आए अमित शाह कि जो इंटर के बाद 12वीं के बाद इंटर पास करेगा उसको लैपटॉप देंगे, अब बताइए जवान फिसल गई, जवान खुद भी फिसल गया है ना, वो खुद फिसल गया, आप कहने उसका भरोसा करें, ये बताइए हम संविधान का, संविधान में भरोसा करते हैं ठीक, इन लोग जो ये चला रहे हैं ना, इन लोगों पे हमें भरोसा नहीं है, कैसे जीत रहे हैं लगातार, अगर धांधले गर्दी से गुंडागर्दी से समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, ये बताइए हमको, अगर पेपर से भी तो धांधली होता था, धांधली होता था तो उसको सही करिए, जो भी सरकारें उनका जिम्मेदारी, हमारी थोड़ी ना है, ईवीएम लाकर जो है पूरा देश का वोट लूटा जा रहा है, बीजेपी ने लाया, कांग्रेस ने लाया था, देख एक चीज बताइए, जिस हिसाब से काम चल रहा है, एक सांपनाथ एक नागनाथ, सांप भी उसे कहते हैं, नाग भी उसे कहते हैं, लाया वो चलाया ये, उसके बाद अब ये जाएंगे तो वो चलाएंगे, और क्या है, ये तो है ना, गांधी की तो सदस्यता भी खत्म कर दी गई है, तो भाई करेंगे ना, अब ये सोच रहे हैं कोई और हमारे सामने ना आए तो खत्म करेंगे ही ना, यही लोग हमेशा सोच रहे हैं कि देश खत्म करना चाहते हैं, देश को बेच देना चाहते हैं, जिस देश में विपक्ष नहीं मजबूत है समझ लीजिए देश का गर्द में ही जाना है, तो वो गर्द में जा ही रहा है, आज बताइए बेटियों के बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई बोलता भी है तो उसको कहते हैं राजनीति हो रहा है, राजनीति हो रहा है, कोई बोलता नहीं, मोदी के कोई सदस्य क्यों नहीं आता है, महिला जितने सांसद हैं इतने विधायक हो क्यों नहीं आ रहे हैं, आइए संवेदन बताइए, यहाँ संवेदना व्यक्त करिए आकर, महिला होकर विधायक मंत्री बनी बैठी हो कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको, आप एक आकर एक बयान दीजिए कि हाँ भाई हमारे जो चाहे जो नेता हो, ब्रजभूषण हो या कोई हो, चिम्मी आनंद, कुलदीप सिंह सेंगर, इतने लोग हैं जो बलात्कारी, उनके ऊपर बलात्कार का जो है मुकदमा है, और माफिया हैं ये लोग, और उनको कोई कुछ कर नहीं रहा, ये लोग कह रहे हैं किसान उग्र हो गए हैं ना, अगर किसान और जवान उग्र हो गए ना, अगर वो संविधान का दायरा पार कर गए तो उधम सिंह वाला कांड होगा, और वही भीमा कोरेगांव वाला, समझ लीजिए, तो गलत अफवाह ना फैले, अगर ये लोग जैसे है ना, अगर ये उग्र हो गए, कौन है किसान है इस देश में, और जवान है कोई और, ये देश की रीढ़ की हड्डी होती हैं, अगर रीढ़ की हड्डी टूट गई तो बचेगा देश, सोच लीजिए, कुर्सी ये अपने कुर्सी की जो पेटी है ना उसके कस के बांध लें, नहीं तो बहुत जल्द जाने वाली है, 2024 आने दीजिए, खत्म 2024 में खत्म, जैसे कहते हैं ना झोला उठाएंगे हम चले जाएंगे, तो ये झोला उठाएंगे चले जाएंगे, हम लोग इनको झोला दे देंगे और इनको कह देंगे अब चले, अभी वो जोर शोर से कर्नाटक में चुनाव लड़, किसान परेशान, सही बात है ना, 13 महीना जेल गया जमस गए, किसान परेशान, नौजवान परेशान, ना नौकरी मिल रहा ना कुछ मिल रहा, आज तो भाई पहलवान भी परेशान, अब इनको कौन वोट देगा, इनको जब जाने जाना झोला उठा के इनको निकलना पड़ेगा, और इस व्यवस्था ये लोग दे रहे हैं हम लोग समझ रहे हैं, राजनीति समझ चुके हैं, अब इनको झोला उठा के जाना है, इतना है, और 24 में आइए हम आपको बताएंगे, स्मृति ईरानी जी चुनाव लड़िए आकर, आइए अमेठी में, आपका विरोध हम लोग करेंगे, खुले तौर पर कह रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, देख सकते हैं भीम आर्मी के लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश से आए थे, और इन्होंने खुला चेतावनी दिया है अमेठी से स्मृति ईरानी को कि आइए हम लोग आपका खुला विरोध करेंगे, ये लोग कह रहे हैं कि 2024 में मोदी जी जिस तरीके से बोलते हैं कि झोला उठा के हम फकीरें और चले जाएंगे, हम इनको भिजवाने का काम करेंगे।